पेश किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर द्वारा 4 अप्रैल को पी ग्राम पंचायत के पटवारी श्री शंकरलाल वर्मा को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड गिरफ्तार किया था। श्री शंकरलाल वर्मा द्वारा 1 अप्रैल को परिवादी श्री संजूलाल जो कुंडरी का निवासी है उससे 2,000 रुपये डिमांड वेरिफिकेशन के दौरान ही ग्रहण कर लिए थे। तत्पश्चात 4 तारीख को 3,000 रुपये की डिलीवरी के लिए ये इसको कॉल कर रहा था और इसका संपर्क होने पर एसीबी टीम ने इसका जाल बिछाकर इसको पी पटवार मंडल में ही 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई थी। तत्पश्चात आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जिसको 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए हैं। ठीक इसके जी सर कोई और भी साथ में परिवादी ने 1 अप्रैल को एसीबी ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नानी जी के नाम पर 3.27 हेक्टेयर जमीन ग्राम में ही है। इस जमीन का इसका सगे भाई ने एक फर्जी दान पत्र तैयार करवा कर इसका नामांतरण अपने नाम करवा लिया था जिसकी अपील परिवादी द्वारा एसडीएम कोर्ट परबसर में भी की गई थी। एसडीएम कोर्ट परबसर ने तत्कालीन तहसीलदार सुभाष जी हेमानी को इस नामांतरणकरण के संबंध में हरेंद्र नाम के व्यक्ति की वल्दियत और इसकी रजिस्टर्ड वसीयत के बिंदुओं पर जांच करने के आदेश दिए थे। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा इस एसडीएम साहब द्वारा जो आदेश पारित किया गया था इसके संबंध में कोई जांच नहीं की गई और तहसीलदार ने उसी जो दान पत्र को आधार मानते हुए उसकी पहले वाली रिपोर्ट को ही सही मानते हुए उस पर कोई अमल नहीं लाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने इसकी एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एडीजे कोर्ट परबसर में प्रस्तुत किया था जहां से इसको दोनों पक्षों को इस जमीन पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित हो चुका था। इस आदेश की पालना करवाने के लिए परिवादी तहसीलदार परबसर से और तत्कालीन जो वर्तमान में पटवारी है इसका पी का और कुंडरी का इसको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आप इस आदेश की पालना करवाएं, लेकिन शंकरलाल पटवारी द्वारा इससे इस आदेश की पालना करवाने की एवज में और इस इष्टे आदेश को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने के एवज में इसे 5,000 रुपये की डिमांड की थी और इस 5,000 रुपये की डिमांड के एवज में 2,000 रुपये 1 तारीख को ग्रहण कर ली और 3,000 रुपये 4 अप्रैल को ग्रहण किए थे जिसमें इसको अरेस्ट किया गया था। जी इस पूरे प्रकरण में एसीबी गेंदा से जांच कर रही है। इसमें इस एक सरपंच और एक पटवारी जो पूर्व में मात्र दान पत्र के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड को सही मानते हुए इनका जो इनका जो लीगल वारिसान है उनके स्थान पर हरेंद्र नाम के व्यक्ति के जो नाम विरासत खोल दी थी उसकी भी एसीबी जांच की रही है। इस संबंध में संपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किया हुआ है और जो भी कार्रवाई बनेगी कार्रवाई जारी है इसमें। लड़े सही कर।